में काफी ज्यादा टाइम हो चुका है और काफी लोग इसे खरीद भी रहे हैं और काफी लोगों को पसंद भी आ रहा है, क्योंकि 5G भी देखने को मिल जाता है, डिजाइन भी काफी ज्यादा अच्छी है और पैकेज में भी काफी अच्छा देखने को मिल जाता है, प्रोसेसर भी काफी ज्यादा अच्छा है। लेकिन काफी लोगों का जो दिल मतलब दिमाग आके अटक जाता है वो आता है कैमरा, क्या इसका कैमरा किस तरह का देखने को मिलता है। इस वाली वीडियो के अंदर हम iPhone 12 के कैमरा को देखने वाले हैं कि उसका कैमरा किस तरह से परफॉर्म करता है। इस वाली वीडियो को कुछ टॉपिक्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं और वो टॉपिक मैं आप लोगों को बताऊं, उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा। तो इस वाली वीडियो के अंदर जितनी भी फोटोज मैं दिखाने वाला हूं उनकी अगर आपको एक्चुअल जो इमेजेस हैं 4-4, 5-5 MB की वो अगर आप लोगों को देखनी है तो आप लोगों को मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, वहां से आप जाके ओरिजिनल जो इमेजेस हैं वो चेक कर सकते हो। इंटरनेट थोड़ा सा खर्च होगा बट डेफिनेटली आप लोगों को ओरिजिनलिटी का पता चल जाएगा कि कितनी ज्यादा क्लियरिटी दिखाई देती है। हर वीडियो की तरह इस वाले वीडियो को भी मैं टाइमलाइन बता देता हूं आप लोगों को। सबसे पहले हम डेलाइट के अंदर मतलब दिन के अंदर जो मेन कैमरा है वो जो अल्ट्रा वाइड कैमरा देखने को मिलता है उसकी क्वालिटी को चेक करेंगे, फिर हम नाइट के अंदर चेक करेंगे मेन कैमरे की परफॉर्मेंस और अल्ट्रा वाइड की परफॉर्मेंस, और उसके बाद हम बाकी सारी चीजें देखते रहेंगे। थोड़े बहुत पॉइंट्स होंगे जो मैं आप लोगों को एंडिंग में बता दूंगा, तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। एक बार मैं कैमरा के बारे में बता देता हूं कि इस मोबाइल में कौन कौन से किस तरह के कैमरा देखने को मिलते हैं आप लोगों को। हर आईफोन की तरह इसमें वाले मोबाइल के अंदर आपको यहाँ पे डुअल कैमरा देखने को मिलता है। मेन कैमरा यहाँ पे वाइड देखने को मिलता है जो कि आता है 12 मेगापिक्सल का, और जो सेकेंडरी कैमरा सेंसर आपको देखने को मिलता है वो आता है अल्ट्रा वाइड कैमरा सेंसर जो कि आता है 12 मेगापिक्सल का। ये वाली फोटो आईफोन 12 के मेन कैमरा से ली हुई है। आप देख पा रहे हैं कितनी ज्यादा डिटेल्स हैं, काफी ज्यादा अच्छी तरह से दिखाई देती है। कास्ट जोन जो शेडो है वो काफी अच्छी तरह से डिटेक्ट कर रहा है। इसके अलावा जो डायनामिक रेंज देखने को मिलती है वो भी काफी अच्छी है, और यही पिक्चर अगर हम अल्ट्रा वाइड कैमरा सेंसर से लें तब आप लोग देख सकते हैं कितनी ज्यादा वाइड देखने को मिलती है आप लोगों को फोटोज। इस फोटो के अंदर भी डिटेल्स काफी ज्यादा तगड़ी हैं और साथ ही में जो यहाँ पे क्लियरिटी है वो भी नेक्स्ट लेवल देखने को मिलती है। स्पेशली यार यहाँ पे जो डायनामिक रेंज है वो तो नेक्स्ट लेवल देखने को मिलती है, जितनी की मेन सेंसर में उतनी ही इसमें भी है। दूसरे कैमरा सैंपल आप देख सकते हैं काफी तगड़ी तरीके से यहाँ पे जो पेड़ पौधे हैं उन सभी को मैनेज कर पा रहा है, काफी अच्छी तरह से डिटेल्स देखने को मिलती है। डायनामिक रेंज हर फोटो में एक नेक्स्ट लेवल पे रहती है। आईफोन 12 की डायनामिक रेंज मैं सच बता रहा हूँ आईफोन 11 से काफी ज्यादा इंप्रेसिव है, और इसी फोटो को जब हम अल्ट्रा वाइड कैमरा सेंसर से लेते हैं तब आप देख सकते हैं कितना ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। अल्ट्रा वाइड लेंस सच में काफी ज्यादा वाइड देखने को मिलता है आप लोगों को यहाँ पे, और सेम यहाँ पे भी आपको काफी ज्यादा अच्छी तरह से डायनामिक रेंज देखने को मिलती है, काफी अच्छी तरह से कलर बैलेंस किया है, और मुझे पर्सनली काफी ज्यादा अच्छी डिटेल्स देखने को मिलती है इसमें। इस वाली इमेज के अंदर आप साफ साफ देख पा रहे होंगे कितनी तगड़ी तरीके से फोकस कर रखा है इसने। यहाँ पे आपको डायनामिक रेंज भी काफी ज्यादा अच्छी देखने को मिलती है, साथ में जो बिल्डिंग आपको यहाँ पे सामने दिखाई दे रही है वो बहुत ही ज्यादा क्लियर तरीके से दिखाई दे रही है। यहाँ पे जो आपको ग्लासेस देखने को मिल रहे हैं वो भी आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो। अल्ट्रा वाइड पे हम शिफ्ट करते हैं तब भी आपको सेम रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। अगर आप जूम करके देखें जो साइड में एक छोटी सी बिल्डिंग दिखाई दे रही है उसके अंदर भी काफी अच्छी तरह से फोकस किया है, क्लियरिटी है, डायनेमिक रेंज इसमें भी काफी अच्छी है। अगली फोटो में बढ़ते हैं। इस वाली फोटो के अंदर आप देख सकते हैं पेड़ पौधे काफी ज्यादा अच्छी तरह से दिखाई दे रहे हैं, प्लस इसके साथ जो डायनेमिक रेंज है वो मुझे पर्सनली काफी ज्यादा अच्छी लगी। यहाँ पे एक हल्का सा ही डाउट हो सकता है क्योंकि जो पेड़ है वो ग्रीन था, यहाँ पे ब्लैक किस कर दिया है इसने, क्योंकि बैकग्राउंड में जो आसमान दिखाई दे रहा है वो काफी ज्यादा एक्सपोज हो रहा है। इसी वजह से उस एक्सपोजर को मेंटेन करने के लिए इसने आगे जो फ्रंट में जो पेड़ पौधे थे उसको हल्का सा ब्लैक कर दिया है। सेम पिक्चर को जब अल्ट्रा वाइड कैमरा सेंसर से लेते हैं तब भी उसने सेम चीज की जो डायनेमिक रेंज है उसको मैनेज करने के लिए सामने जो फ्रंट एंड में पेड़ दिख रहे उसको थोड़ा सा ब्लैक कर दिया। मुझे किसी भी मोबाइल का सबसे ज्यादा बेस्ट पार्ट लगता है क्लोजअप। क्लोजअप शॉट मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट है उसके पास हम जाएं और फिर फोटो क्लिक करें वो बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल आती है और काफी ज्यादा इपिक भी दिखाई देती है, जैसे कि इस वाली पिक्चर के अंदर दिखाई दे रही है। कलर सच मुझ में काफी अच्छी तरह से बैलेंस किए, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इस तरह की फोटो भी आ सकती है। बैकग्राउंड ऊपर आप देख पा रहे होंगे आसमान है, एक्सपोजर बहुत ज्यादा हाई होता है, फिर भी इसने काफी अच्छी तरह से मैनेज किया। और यही पिक्चर अगर हम अल्ट्रा वाइड के अंदर क्लिक करें तो आप लोग देख सकते हैं कितनी ज्यादा अच्छी तरह से डिटेल देखने को मिलती है, कहीं ना कहीं हल्का सा ब्लर है बट काफी ज्यादा अच्छी देखने को मिलती है। यहाँ से मैं आप लोगों को मेन सेंसर से और अल्ट्रा वाइड सेंसर से काफी सारी फीचर्स फटाफट एक बार क्लिक कर देता हूँ और आप स्टॉप करके देख सकते हो। तो नेक्स्ट पिक्चर जो आप मेन सेंसर से देख सकते हैं और यहाँ पे अल्ट्रा वाइड से भी सेम पिक्चर आप देख सकते हैं। इस वाली पिक्चर के अंदर जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है वो काफी ज्यादा दूर है, प्लस अगर हम इसको अल्ट्रा वाइड में शिफ्ट कर दे तो ऐसा लगता है बहुत ज्यादा दूर हो गई है। नेक्स्ट पिक्चर में आप देख सकते हैं वाइड बैलेंस काफी ज्यादा अच्छे से बैलेंस किया हुआ है और अल्ट्रा वाइड में भी काफी अच्छे से बैलेंस किया हुआ है। इस वाली फोटो को देख के आप लोगों को पता चल जाएगा कि कलर किस तरह से बैलेंस करता है, क्योंकि जो गोल्ड कलर होता है वो इतनी अच्छी तरह से कोई भी मोबाइल मैनेज नहीं कर पाता, बट ये काफी अच्छी तरह से मैनेज कर पाता है मेन सेंसर से और अल्ट्रा वाइड सेंसर से। इस वाली फोटो के अंदर आप देख सकते हैं कि एक्सपोजर किस तरह से मैनेज करता है, इसके अलावा जो रिफ्लेक्शन होते हैं बिल्डिंग के कांच के अंदर आते हैं वो किस तरह से ये मैनेज करता है, और अल्ट्रा वाइड के अंदर भी आपको काफी ज्यादा अच्छी तरह से इमेजेस देखने को मिलती है। मुझे पर्सनली काफी ज्यादा अच्छा लगा आईफोन 12 का कैमरा। डेलाइट के अंदर आईफोन 12 काफी ज्यादा अच्छी तरह से परफॉर्म करता है, साथ ही में आईफोन 11 से काफी ज्यादा अच्छा है। अब बात करते हैं नाइट मोड के अंदर किस तरह की परफॉर्मेंस आप लोगों को देखने को मिलती है। ये वाली पिक्चर आप देख सकते हैं नाइट मोड के अंदर काफी ज्यादा अच्छी है। अगर थोड़ी सी जूम करके आप लोगों को दिखाऊं
तो ये जो बंदा है या बंदी है जो भी है, ये आप लोगों को यहाँ पे नोटिस होता है, वैसे किसी की खिड़कियों में नहीं झांकना चाहिए, लेकिन सिर्फ डिटेल्स के चक्कर में यहाँ पे आप काफी अच्छे तरह से नोटिस कर पाते हैं। यही सेम पिक्चर अगर हम अल्ट्रा वाइड कैमरा सेंसर से लें तब आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी हल्का सा डल दिखता है, दिखाई देता है, और थोड़ी सी जो डार्कनेस है वो ज्यादा दिखाई देती है इस कंपेयर टू मेन सेंसर से। तो मैं कहूंगा कहीं ना कहीं मैच नहीं कर पाते दोनों कैमरा सेंसर जितना कि डे लाइट में मैच करते थे। यहाँ पे भी अगर वही खिड़की के अंदर थोड़ा सा जूम करके देखें तो वो जो बंदा है वो अब खिड़की खोल के अच्छे तरह से हमें देख रहा है, तो आप देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा डिटेल्स यहाँ पे देखने को मिलती है। कुछ नाइट मोड के कैमरा सैंपल और देख सकते हैं, ये वाला कैमरा सैंपल मेन कैमरे से है, ये वाला कैमरा सैंपल आपको अल्ट्रा वाइड से देखने को मिलता है सेम पिक्चर। इस वाली पिक्चर के अंदर आप देख सकते हैं काफी अच्छे तरह से मैनेज करता है, जो नीचे एक्सपोजर जो लाइट दिखाई दे रही है वो काफी अच्छे तरह से मैनेज करता है। मुझे पर्सनली काफी अच्छी चीज लगी क्योंकि नाइट के अंदर हल्का सा ऐसे शार्पनेस और थोड़ा सा जो ब्लर होता है वो ज्यादा दिखाई देता है बाकी मोबाइल्स के अंदर, जबकि यहाँ पे काफी अच्छे तरह से प्रोसेसिंग की गई है। यही चीज अगर आप अल्ट्रा वाइड में देखें वहां पे भी आपको एक्सपोजर में कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलती। ये वाला कैमरा सैंपल आप देख सकते हैं, और यही कैमरा सैंपल जब हम अल्ट्रा वाइड से लेते हैं तो कुछ इस तरह का दिखाई देता है। ये वाली पिक्चर क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी देखने को मिल रही है नाइट मोड के अंदर मेन सेंसर से, क्योंकि कलर वलर एकदम परफेक्टली शो कर रहा है, कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि डल कर दी हो। काफी बार जो ब्लू कलर होता है उसको डार्क कर देते हैं, ब्लैक कलर कर देते हैं, और जो गोल्ड होता है उसे येलो थोड़ा अजीब सा कर देते हैं, तो इस वाले फोन के अंदर काफी अच्छी तरह से मैनेज कर रहे हैं। यही पिक्चर अल्ट्रा वाइड के अंदर भी काफी अच्छी तरह से होती है और काफी अच्छी तरह से डिटेल्स देखने को मिलती है आप लोग को। ये वाली कैमरा सिंपल आप देख सकते हैं और अल्ट्रा वाइड से भी सेम पिक्चर देख सकते हैं। ये वाली फोटो मैंने पहले वाले जो आईफोन 11 वर्सेस 12 वर्सेस 13 का जो कंपैरिजन किया था उसमें भी मैंने ये वाली फोटो दिखाई थी। मुझे पर्सनली ये काफी ज्यादा अच्छी लगती है क्योंकि यहाँ पे हल्की फुल्की जो लाइट्स आ रही है हर घर से हर रूम से वहाँ काफी ज्यादा अच्छी तरह से मैनेज करता है, डिटेल्स लिटरली बहुत ज्यादा अच्छी देखने को मिलती है। और यही पिक्चर आईफोन 13 से भी ली हुई थी, लेकिन फिर भी आईफोन 13 कहीं ना कहीं डायनामिक रेंज खो रहा था जबकि आईफोन 12 डायनामिक रेंज में बहुत तगड़ा वर्क करता है। यही पिक्चर अल्ट्रा वाइड में अगर आप देखें तो यहाँ पे भी आप लोगों को सेम चीज नोटिस होती है कि कहीं ना कहीं डायनामिक रेंज इसकी बहुत ज्यादा शानदार देखने को मिलती है और लाइट बैलेंस भी काफी अच्छी तरह से कर लेता है। अब बात करते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग के बारे में। मुझे नहीं पता यार कि आप लोग मुझे कितना फॉलो करते हो, बट मैंने काफ़ी सारे वीडियोस में पहले भी बताया है कि आईफोन की जितनी भी वीडियो रिकॉर्डिंग की जो क्वालिटी होती है वो कोई और मोबाइल बिल्कुल भी मैच नहीं कर सकता। मैंने अपने एक पहले वाले वीडियो में भी बताया था कि आईफोन 11 का कैमरा इतना ज़्यादा शानदार है कि मैं अपने DSLR को भी छोड़ सकता हूँ। आईफोन 12 की वीडियो रिकॉर्डिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप 4K 30fps और 60fps तक की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, और 1080p के अंदर भी आप यहाँ पे 60fps और 30fps तक की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो विद स्लो मोशन। यहाँ पे कुछ बता दूं 4K 60fps पे जब आप वीडियो रिकॉर्ड करते हो तब वहां पे आपको HDR का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता, वो सिर्फ 4K 30fps या फिर 1080 30fps देखने को मिलता है, तो वो एक कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा माइनस पॉइंट लगता है। बट डेफिनेटली आईफोन के अंदर जो 4K 60fps और स्पेशली जो 30fps होती है वो भाई एक्सलेंट होती है, नेक्स्ट लेवल, DSLR को कॉम्पीट करने लायक है। आईफोन 12 के कैमरा के बारे में कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं अब, जो कि मैं चाहूंगा कि आप लोगों को पता होनी चाहिए और मैं बताने में भी इंटरेस्टेड हूँ। आईफोन 12 का डिजाइन बहुत ज्यादा शानदार है, प्लस इसमें आईफोन 12 के जो कैमरा है वो बहुत ज्यादा अच्छे देखने को मिलते हैं एज कम्पेयर टू आईफोन 11। ये मोबाइल आपको 5G देखने को मिलता है, प्रोसेसर काफी ज्यादा अच्छा है, और इस मोबाइल की जो डिस्प्ले है और आईफोन 11 की डिस्प्ले है उसमें दिन और रात का अंतर देखने को मिलता है आप लोग को। इस मोबाइल के कैमरा काफी ज्यादा इंप्रूव्ड है अदर पहले वाले मोबाइल से, और डेफिनेटली एक अपग्रेड आपको फील होगा अगर आप स्विफ्ट करते हो आईफोन पहले वाले से या फिर इसमें। आईफोन 12 के कैमरा में सबसे ज़्यादा बेस्ट जो चीज़ मुझे लगी वो थी डायनेमिक रेंज, बहुत ही ज़्यादा शानदार तरीके से मैनेज करता है। इसके अलावा जो डिटेल्स होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्सलेंस नेक्स्ट लेवल की होती हैं, और इसी के साथ साथ जो डिटेल्स लेता है ये जो डीप डिटेल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा शानदार देखने को मिलती हैं। नाइट मोड काफ़ी अच्छे तरह से वर्क करता है, अगर आप ट्राइपॉड या फिर कहीं पे स्टडी इसको कहीं पे रख के फिर अगर नाइट मोड लोगे तो वो नेक्स्ट लेवल आएगा, उसमें आपको डेफिनेटली फ़र्क देखने को मिलेगा। मुझे इस मोबाइल के अंदर सबसे ज़्यादा डिज़ाइन ही पसंद आया, और स्पेशली इस मोबाइल का 5G होना, क्योंकि ये फ्यूचर प्रूफ बनाता है, 2 साल बाद में भी आप इस मोबाइल को बहुत ईजिली यूज़ कर पाओगे क्योंकि वहाँ पर भी आपको 5G का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। इस मोबाइल के अंदर एक छोटी सी दिक्कत है, वो है बैटरी ड्रेन, क्योंकि 5G है, प्रोसेसर काफ़ी ज़्यादा भारी है, डिस्प्ले भी भाई 1080 कर दी है अब, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ इंपैक्ट करती है बैटरी को, और बैटरी हल्की सी डाउन लगती है आईफोन 11 के कंपैरिजन में। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है, बट डेफिनेटली एक छोटा सा डाउनग्रेड लगता है बैटरी के मामले में। अगर आप बैटरी मेरी तरह यूज़ करते हो तो डेफिनेटली दिन में 3 बार भी चार्ज कर लो तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बट अगर आप नॉर्मल यूज़ करते हो, थोड़ा बहुत पबजी खेलते हो, थोड़ा बहुत गेम करते हो, थोड़ी बहुत वीडियो रिकॉर्डिंग में सबसे ज़्यादा बैटरी कंजप्शन होगा, ये कन्फर्म है। अगर आप लोग का आईफोन 11 12 और 13 का डिटेल कंपैरिजन वीडियो चाहिए तो ये वाला वीडियो चेकआउट कर सकते हो, और अगर लेटेस्ट वीडियो चेकआउट करना हो मेरा तो ये वाला वीडियो चेकआउट कर सकते हो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर इस तरह की और वीडियोस देखने हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, और हम मिलते हैं आपसे अगले वाले वीडियो में।